तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों करते हैं अपने नए ब्लॉग की शुरुआत। दोस्तों अभी मैं हूँ छत में, इसी के साथ ब्लॉग की शुरुआत हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो आज का ब्लॉग दोस्तों कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको अपने गाँव का इंट्रोडक्शन कराऊँगा और अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मेरा नाम दोस्तों खुशहाल सिंह रावत है और मेरा गाँव जो चमोली जनपद के गैरसैंण के खनसर घाट में पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको ये फील्ड दिख रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर दोस्तों हमारे गांव में जितने भी प्रोग्राम होते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर या किसी भी मतलब युवा ग्रुप, महिला मंगल दल, जितनी भी मीटिंग होती है सब यहीं पर होती है इस फील्ड में। और सामने देख सकते हो ये है हमारे गांव का पंचायती भवन। मैं हूँ पंचायती भवन में और यहाँ पर बनी है हाल ही में हमारे गाँव में पानी का टैंक, और यहीं से दोस्तों हमारे गाँव में पानी जाता है हर घर के लिए। और यहाँ पर है गांव का एक छोटा सा धारा, जो यहाँ से दोस्तों हमारे गांव में सिंचाई का पानी जाता है। तो दोस्तों ये है हमारे गांव का प्रसिद्ध मंदिर। तो अभी हम चल रहे हैं ऊपर, थोड़ा आपको वहाँ का मंदिर दिखाते हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर में, ये वाला मंदिर है माँ भगवती का, और जो ऊपर वाला मंदिर है वो है भैरवनाथ स्वामी का। इस मंदिर की दोस्तों ये खासियत है कि जो भी व्यक्ति लोग यहाँ अपने सच्चे मन से आते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। इसी के साथ ये मंदिर हमारे गांव के जस्ट ऊपर पे है, तो जो हमारे गांव के जो ऊपर एक पहाड़ है, तो वहाँ से जो भी पत्थर आते हैं तो वो सारे इन पेड़ों पे रुक जाते हैं। तो इससे जो गाँव में की जो गाँव के लोगों की श्रद्धा इस मंदिर पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर वाले मंदिर में, ये है भैरवनाथ स्वामी का मंदिर। और दोस्तों हमने जो अपने दादा-दादियों से सुना है कि इस मंदिरों के बारे में, कि जब हमारे यहाँ पूर्वज आए थे उन्होंने ही इन मंदिरों का निर्माण किया है, और तब से ये जो ये बांस के पेड़ हैं ये ऐसे ही हैं। आप लोगों को मैंने ये मंदिर दिखा दिया है, आप लोगों को ये मंदिर कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। और ये है दोस्तों ये मंदिर, तो अभी हम आ रखे हैं खेत में और यहाँ से आप हमारे गांव का नज़ारा देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। और आजकल देख सकते हो दोस्तों खेतों में धान की कितनी छोटी फसल उग चुकी है, लोग इसके जो आसपास के जो दूसरी घास होती है उसको निकालने में लगे हैं और धान की पौध को अलग कर रहे हैं, जिससे कि जो धान की पौध बढ़ जाए। अभी मैं आप लोगों को ले चलता हूं अपने प्राथमिक माध्यमिक स्कूल में, जहां से हमने अपनी जो प्राथमिक पढ़ाई पूरी की है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गांव के प्राथमिक स्कूल में। आजकल यहां पर जो कलर का काम चल रहा है, रंग तो हो चुका है पर अब इस पर कलर होना बाकी है, और ऊपर की जो छत दिख रही होगी ये भी नई है। जब भी हम अपने स्कूल को देखने के लिए यहाँ आते हैं प्राथमिक की, तो हमें अपनी जो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं कि हमने यहाँ पर कैसे कैसे काम किए हैं। यहाँ पर फर्स्ट तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो नीचे है यहाँ पर पहले फील्ड जैसा था और यहाँ पर खेलते थे हम क्रिकेट, और उस साइड रहता था छक्का। और ये यह है यहाँ पर आंगनबाड़ी की स्कूल, अब ये तो नई बनी है। और यह है हमारा पुराना किचन, जब हम पढ़ते थे तो हम इसके नीचे खाना खाते थे, अब तो पूरा ये टूट चुका है और ये बना है नया किचन। और ये है स्कूल, और स्कूल के ठीक सामने का व्यू देख सकते हो। पहले टाइम से और अब यहाँ काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो गई हैं। फर्स्ट तो ये रास्ता है जो अब पूरा सीमेंट का बन चुका है और यहाँ से पूरा ऊपर तक। और दूसरी दोस्तों आपको ले चलते हैं इस साइड को,
यहाँ भी खाते थे हम खाना, जब यहाँ खाना नहीं बनता था तो रोटी ले कर आते थे तो यहाँ बैठते थे। और ये तो फूलों की क्यारी तो हमसे पहले जब हम थे, हमसे पहले ही के जो बच्चे थे उन्होंने बना रखी है, हमारे भाई लोगों ने। पहले पानी का नल यहाँ पर था, अब यहाँ पर लगा दिया है। और यहाँ दोस्तों पहले यहाँ पर मतलब यहाँ पर एक हिसोल का पेड़ हुआ करता था, यहाँ पर नीचे, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हिसोल खाई है हमने। और इस फील्ड में हमने बहुत सारे पेड़ लगा रखे थे, अब तो पता नहीं हो नहीं रखे हैं। वैसे एक दिख रहा है यहाँ पर चीड़ का है, और एक ये वाला है नीचे तिमुले का। अभी हम जा रहे हैं खेतों के रास्तों से, और ये देख सकते हो आजकल कितनी ज़्यादा हरियाली बढ़ चुकी है चारों तरफ। तो यहाँ से आप व्यू भी देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। चलते हैं दोस्तों यहाँ से घर के लिए। तो अब आप लोगों को अपना घर दिखाते हैं। ये हमारा घर, और ये हमारी बाखली जिसे मोहल्ला कहते हैं। और डेली का जो व्यू हमें हमेशा दिखता है सुबह शाम, वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये व्यू हमें हमेशा दिखता है यहाँ से। इसी के साथ दोस्तों ये है सामने खंसर घाटी, और यहाँ से उगता है सूरज। तो अभी हम जा रहे हैं रोड साइड, वहाँ से भी हम आपको अपने गांव का पूरा व्यू दिखाते हैं। यहाँ से देखिए आप हमारा गांव, और इस साइड को भी देखिए। तो अभी हम पहुँच चुके हैं अपने गांव के रोड में, यहीं पर हमारे गांव की गाड़ियों का स्टैंड है। यहाँ पर देखो सारी गाड़ियाँ रुकी हैं, और यहाँ से हमारे गांव के लिए पैदल मार्ग, और ये वाली रोड जाती है यहाँ से सीधा ऊपर मल्ले गांव तक। यहाँ पर गांव की पूरी गाड़ियाँ नहीं है, अभी तो कम ही है, दो तीन गाड़ियाँ और होंगी, वो अभी नहीं आई हैं बाजार से। यह है दोस्तों पीछे हमारा गांव, और गांव के दोस्तों इस साइड को भी है श्रीनुमा खेत, और इस साइड को भी, और नीचे साइड को भी, और ऊपर को है हमारा मंदिर, और यह है ऊपर मल्ला गांव। और इसी के साथ दोस्तों आप देख सकते हो गांव के तीनों तरफ हैं श्रीनुमा खेत, और ऊपर को बांस का जंगल है, और इस साइड को भी बांस का जंगल है, और यहां है हमारी रोड, और ये देख सकते हो, और यह है ऊपर वाली रोड। यहाँ पर लास्ट रोड यहाँ पर ख़त्म हो जाती है हमारे गाँव की। यह हमारा खूबसूरत सा गांव, और गांव के ठीक ऊपर है हमारे जो माता रानी का मंदिर, देवठों की है ये सामने वाला, जहां भी कोहरा लगा है। और इसी के साथ दोस्तों वहां हम एक हफ्ते के बाद जाएंगे, तो वहां की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूं घर के लिए। मैंने आप लोगों को अपने गांव का कराया, कैसा लगा आप लोगों को हमें कमेंट जरूर बताएं। करते हैं दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड।
मिलते हैं आप एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।